हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग मैं बहुत टाइम के बाद फ़िल्म कर रही हूँ और बेसिकली इस व्लॉग में मैं जा रही हूँ सैलॉन कुछ बालों की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो मैं आपको साथ लेके चलती हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि कौन से सैलॉन में जा रही हूँ, कौन सा ट्रीटमेंट मैंने लिया है और आपको भी रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तो जी, सैलॉन मैंने सेलेक्ट किया है सोमी नकवी, बहरिया टाउन फेज़ 7 में है ये। एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम लिंक भी दे दूँगी, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया था हेयर कट। हेयर कट मैं आपको फर्दर बताऊँगी मैंने कौन सा लिया था, रिज़ल्ट जब देखेंगे आप तब आपको बताऊँगी। और अभी जो है मैंने जो ट्रीटमेंट सेलेक्ट किया है वो है हाईलाइट्स। तो हाईलाइट्स मुझे जिस तरह के चाहिए थे उसके लिए बेस कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए, मेरा बेस कलर लाइट था तो अभी ये मेरा बेस कलर जो है वो करें। सबसे पहले इन्होंने जो कलर था उसको मेरे रूट्स में लगाया और इसको 10 to 15 मिनट्स लगा रहने दिया ताकि रूट्स में जो है अच्छे से कलर आ जाए। फ़िल्म मैंने सारे स्टेप्स को ख़ुद ही फ़िल्म किया क्योंकि मैं अकेली थी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को सब के सब स्टेप्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो अभी इन्होंने ये जो बेस कलर है लॉरियल ब्रांड का ये यूज़ कर रहे थे, इन्होंने ये मेरे रूट्स में लगा दिया है ठीक। और ये रूट्स में तकरीबन 15 से 20 मिनट्स आई गेस लगा रहा था। अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये किया था कि जैसे ही 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे तो वो कलर जो था इन्होंने मेरे बाकी के बालों पर भी अप्लाई कर दिया था ताकि जो बेस कलर है वो ओवरऑल अच्छा सा जो है मेरे शेड दे मेरे बालों पे। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्या किया था कि उस बेस कलर को ब्लेंड किया था। मैं ये कुछ मसाज करी थी, साथ साथ ब्लेंड करी थी। ये स्टेप मैंने रिकॉर्ड किया है, आप चेक कर लो। वाटर थोड़ा सा ले रही थी, उसको ब्लेंड करके मसाज करके इन्होंने तकरीबन 10-15 मिनट्स उसको अच्छे से मेरे सर पे बालों पे लगे रहने दिया था। इसके बाद इन्होंने इसको वॉश कर दिया था और वॉश करने के बाद बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और अच्छा लुक आ रहा था। अगर आप लोग चाहें तो हाइलाइट्स अगर आप नहीं कराना चाहते, ब्लीच नहीं कराना चाहते, तो आप लोग ये बेस कलर भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये आप देखें, बेस कलर के बाद रिज़ल्ट्स जो हैं वो इस तरह के थे। डार्क करवाया है मैंने बेस कलर, आप लोगों ने मेरा जो पहले का बेस कलर है वो तो मेरी वीडियोज़ में देख ही लिया होगा। तो अभी ये ब्लो ड्राई कर रहे हैं और इसके बाद जी अब स्टेप स्टार्ट होता है हाइलाइट्स का। तो हाइलाइट्स में एक बात जो मैं आपको क्लियरली बता दूं, होती आपके बालों पे ब्लीच अप्लाई होती है, लाजमी होती है, और ब्लीच आपके बालों को डैमेज भी करती है। बट अगर आपका दिल कर रहा है मेरी तरह जाके हाइलाइट्स करवाने का तो आप लोग करवा सकते हैं। बट ये बात मैं आपको क्लियरली बताऊं कि इसमें ये नहीं है कि आपके बालों में डैमेज नहीं होगा। हाँ, अगर आप केयर अच्छी करेंगे तो होप्स हो कि आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, बट उसके लिए आपको अपने बालों की केयर करनी पड़ती है। तो ये इस तरह से कर रहे थे, स्टेप्स ले रही थी मेरे बालों के और उनको ब्लीच करी थी और देन उनको इस फॉयल में रैप करके इन्होंने रख दिया था। अच्छा, ये जो मैंने हाइलाइट्स करवाए हैं ये ब्लेंडेड हाइलाइट्स थे। मैंने इनको लुक दिखाया था, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ब्लेंडेड है या नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि ये ब्लेंडेड हाइलाइट्स हैं और इस तरह से ये मेरे बालों पे आप देखें कि ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है चेक भी कर रहे थे शेड को और साथ साथ जो जो बाल मेरे ब्लीच हो रहे थे उनको रिमूव करके पैचेस को कवर कर रहे थे। ये बेसिकली जो अभी आप स्टेप इनको करते देख रहे हैं ये पैचेस को कवर कर रही हैं जो ब्लीच की वजह से बालों में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ब्लीच लगने के बाद आपके बाल हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको वियर्ड लगता है, डर भी लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। बट जब फाइनल रिज़ल्ट्स मेरे पास आए थे तो आई वाज शॉक्ड बिकॉज़ बहुत अच्छा हेयर कलर जो है वो हुआ था। तो ब्लीच होने के बाद जी अब हो रही है मेरे बालों की ग्लॉसिंग। तो ग्लॉसिंग में बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो आपने हेयर कलर इनको सेलेक्ट करके दिया होता है ये ओवरऑल आपके बालों पे वो कलर अप्लाई करा देते हैं। तो अभी ये मेरे बालों की ग्लॉसिंग करी हैं इन्होंने तकरीबन 20-25 मिनट्स अच्छे से मेरे बालों पे कुछ हेयर कलर की हेल्प से मसाज करी थी, उसको ब्लेंड करी थी। आई डोंट नो ये क्या था बट बहुत अच्छे से इन्होंने इसको मसाज किया। और ये ले जी, ये हैं फाइनल रिज़ल्ट्स मेरे हाइलाइट्स के। ऐश ब्लॉन्ड हाइलाइट्स जो हैं वो मैंने करवाई हैं और जो बेस है वो थोड़ी सी मैंने डार्क रखी थी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, पिक्चर ले लें। इसके अलावा आप इनके पेज पे चले जाएं, वहाँ पर आपको और बहुत से शेड्स मिलेंगे। अच्छा, तो अब आते हैं कटिंग की तरफ। तो कटिंग मैंने करवाई है, बैक साइड से स्टेप्स थे एंड फ्रंट से कटिंग जो है वो थी लेयर्स में, ठीक। और अब मैं आपको टोटल चार्जेस भी बताती हूँ। बेस कलर था मेरा, हाईलाइट्स थे और साथ में मेरी कटिंग थी, तो टोटल चार्जेस मेरे लगे हैं 18,000 रुपीज़। तो जी ये थी आज की वीडियो। आप लोग को लिंक, सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके चेक कर लें। अगर आपका दिल करे तो ज़रूर करें, लाइफ में चेंजेस अच्छे होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आप लोग वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।